दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली एयरपोर्ट टी पे हूँ और मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। अब मैं क्यों जा रहा हूँ अहमदाबाद, ये थोड़े समय के बाद आप लोगों को पता लगेगा। आप जब एयरपोर्ट आते हैं तो अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद आप डीजी यात्रा ऐप में अगर अपने आप को एनरोल करते हैं और उसके अंदर अपना बोर्डिंग पास आप लोड कर देते हैं, तो आप बहुत जल्दी एयरपोर्ट में घुस सकते हैं। और आगे भी सिक्योरिटी चेक में भी आपके लिए डीजी यात्रा के लिए अलग गेट है, तो हर जगह आपको काफ़ी समय की बचत होगी। तो आप कोशिश करिए डीजी यात्रा को डाउनलोड करके उसके अंदर अपना बोर्डिंग पास अपलोड करिए। चेक इन करने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अब जा रहा हूँ लॉन्च पे। लेट अस सी कौन से क्रेडिट कार्ड चलते हैं। आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ने लॉन्च फैसिलिटी देना बंद कर दिया है, जैसे कि HDFC है और भी कुछ कार्ड्स हैं। कुछ कार्ड्स चल रहे हैं, कुछ कार्ड्स नहीं चल रहे हैं। तो मैं अब पहुँच रहा हूँ वहाँ पे लॉन्च की तरफ। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद एक कैंपर वैन के सिलसिले में। अहमदाबाद में ध्रुव नॉर्थ डॉक्टर राजेंद्र ढांडा के टोयोटा हाइलेक्स के ऊपर एक कैंपर वैन बना रहा है। शायद ये भारत की पहली कैंपर होगी हाइलेक्स पे। लगभग ये तैयार है। डॉक्टर डांडे पुणे के पास अली फाटा में रहते हैं। ये करीब पुणे से 80 किलोमीटर दूर है और वो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। हम दोनों इस कैंपर वैन को फिर ड्राइव करके अहमदाबाद से करीब 600 किलोमीटर दूर अली फाटा जाएंगे और फिर वहाँ पे इसकी हम ऑफ रोडिंग टेस्टिंग भी करेंगे। डॉक्टर डांडे 15 साल से ज़्यादा से कार कैंपिंग कर रहे हैं। वो एक एक्सपर्ट कार कैंपर है। उनके बाद इको स्पोर्ट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कैंपर कार में कन्वर्टेड है, और उससे भी ज़्यादा अत्यंत रोचक उनके पास है फोर्ड एंडेवर। मैंने इतनी अच्छी कैंपर कार नहीं देखी। एंडेवर में वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट व किचन व स्लीपिंग अद्भुत है। जल्दी आप देखेंगे उस कार को भी। और मैं अब पहुँच गया हूँ अहमदाबाद। ये हाइलेक्स के ऊपर कैंपर वैन बन के तैयार हो गई है डॉक्टर डांडे की। देखिए क्या खूबसूरत, क्या कातिल लग रही है ये। छोटे मोटे काम बचे हैं अभी, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ हर डायरेक्शन से। तो इसके अभी टेस्ट साइड चल रही है। डॉक्टर साहब ने BF गुडरिच के खतरनाक वाले टायर्स लगा दिए हैं इसके अंदर। बहुत ही सुंदर लग रही है। छोटे मोटे अभी और इसके अंदर हम काम करने बाकी हैं। देखिए दोस्तों, क्या मस्त लग रही है ये गाड़ी। बहुत ही सुंदर लग रही है ये डॉक्टर साहब का। ये भी सोचना है सर ना लगे ऊपर ना निकल के। डॉक्टर साहब टाटा करने के लिए बाहर निकले थे, थोड़ा सा उनकी हेड इसके एक्सटेंशन पे लगी है। तो ये मैंने आपको पूरा बाहर से 360 व्यू दिखा दिया है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। गाइस, फाइनली डॉक्टर डांडे की गाड़ी डिलीवर हो गई है। ये टोयोटा हाइलेक्स के डाले को हटा के कैंपर वैन बनाई गई है। तो आप ये देख रहे हैं पीछे 6x6 का रूम है और कैंटिलीवर है ऊपर सोने के लिए। और इस गाड़ी को अभी हमने टेस्ट ड्राइव भी किया है। 110 किलोमीटर्स तक पर आर तक हमने इसको ड्राइव करके देखा है। गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है। तो देखिए क्या बीस्ट लग रही है, क्या सुंदर लग रही है ये। हिप्पो कैंपर वालों ने इस गाड़ी को बनाया है अहमदाबाद में। और ये अब गाड़ी के नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरत ये गाड़ी लग रही है। आगे से इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टायर्स BF गुडरिच के लगाए हैं और पीछे कमानी में एक दो पट्टे और बढ़ाए गए हैं इसमें, क्योंकि पीछे वजन बढ़ गया है इसका। तो ये इसमें दो विंडोज़ हैं। ये विंडोज़ के उधर बैठने का सोफ़ा है। आगे पीछे अंटर लाइट्स लगी हैं। ये एक जॉस फैन टॉयलेट का है। इधर वाली विंडो जो आपको दिख रही है वो टॉयलेट की है। और ये जो यहाँ पे आपको ये डोर दिख रहा है, इसके अंदर पावर मैनेजमेंट है, इन्वर्टर है, दो लेड एसिड बैटरीज हैं। और ये BF गुडरिच के टायर्स हैं। ये पीछे जो नीचे दिख रहा है ये ब्लैक वाटर टैंक है। ये पीछे एक बनाया है खूब बड़ा सा बम्पर, इसके अंदर पूरा कैंपिंग का सामान आ जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। पीछे गाड़ी को थोड़ी सेफ्टी भी देगी। आपकी कैंपिंग चेयर्स, कैंपिंग टेबल, फावड़ा, सबल सब इसमें आ जाएगा।
ये स्पेयर टायर लगा दिया, ये ऊपर जो आपको ब्लैक ब्लैक बॉक्स में दिख रहा है ना, ये गैस गीजर्स है और ये चार लाइट्स हैं, ये येलो लाइट बहुत खूबसूरत लगती है रात में, ऊपर हंटर लाइट्स हैं। ये एसी का आउटर है, इसके अंदर 0.8 टन का एसी लगा हुआ है। ये दो नोजल्स जो आप देख रहे हैं ना, ये वाटर इनलेट है, इससे इसके अंदर पानी भरेंगे। ये एक्सटर्नल वाटर सप्लाई है अगर आपको बाहर शावर लेना है या पैर वैर धोने हैं। ये लैडर है जो फोल्ड होकर अंदर ही चली जाती है। ये डोर देख रहे हैं आप, ये दूसरी विंडो है, ये ऊपर ऑनिंग है, ये रिसेस करके लग गई है अंदर। ये किचन के ऊपर का एक जॉस फैन है और ये एक कैंपिंग टेबल है, इसको आप, ये टेबल बहुत ही यूज़फुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप ऐसे खोल के ऐसे गिरा सकते हैं और इसके ऊपर आराम से खड़े होके आप ऊपर की ऑनिंग भी खोल सकते हैं, इसके ऊपर बैठ के आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, यहाँ किचन का काम भी कर सकते हैं। ये जो एक और डोर है, इसके अंदर भी एक क्यूब है जिसके अंदर एक्सटर्नल किचन का सामान रखा जाएगा। ये इसका डीजल फिल करने का हो गया है, तो पहले जैसे गाड़ी में रिसेस होता था, अब ये एक बाहर से ऐसे हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये एक्सटर्नल ग्रिड सप्लाई है और आगे गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो हिस्सा है कैंटिलीवर है, ये बेड बन जाते हैं, बेड है ये 6 फीट बाय 5 फीट का, और ये गाड़ी जितना भी जंप करती है ऊपर वाला हिस्सा गाड़ी के टॉप से नहीं टकरा रहा है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र ढांडे की कैंपर वैन को आपने बाहर से तो देखा, अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टाइल की पुल आउट स्टेयर्स हैं जो इसके अंदर घुस जाती हैं और आराम से आप निकाल सकते हैं, फिर आप ये दरवाज़ा खोलेंगे। तो देखिए ये बाहर से, ये ऊपर ऑनिंग है, अब इसमें आप एंटर करेंगे। 3 स्टेप्स हैं, 1 2 3। एंटर करते ही सामने आपको एक वॉश बेसिन नज़र आएगा तिकोना, उसके ऊपर एक ये इंडोर एसी लगा है, ये घर वाला ये एसी है 0.8 टन का। यहाँ स्विच बोर्ड्स हैं, ये पूरा सिस्टम 24 वोल्ट डीसी पे चल रहा है। और ये आपने देखा पहले, सबसे पहली चीज एक वॉश बेसिन, इसके नीचे ये स्टोरेज है, ये गैस सिलेंडर है और वाटर मीटर है, और इसके अंदर कुछ जगह है तो इसमें अंदर आप और सामान रख सकते हैं। फिर वॉश बेसिन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। तो ये आपने दरवाज़ा खोला, तो ये आपके नहाने के लिए है। ये मेरिंग ग्रेड टॉयलेट सीट है जो काफ़ी फंक्शनल है, मैं इसको 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर आप नहा सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ छोटा है कैंपर वैन के हिसाब से, बट फंक्शनल है। इसके बगल में है एक सोफ़ा बैठने के लिए, 2 फीट वाइड है। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया विंडो है, ये देखिए आप। और इसके नीचे आपका पूरा पावर मैनेजमेंट है, ये बाहर से भी खुलता है, अंदर से भी एक्सेस होता है। ये देखिए इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर के नीचे 2 लेड एसिड बैटरीज हैं। ये दूसरी साइड की सीट है, ये उसका बैक रेस्ट है। ये वाला जो बैक रेस्ट है, ये एक टेबल है, दो लोग यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। इस टेबल को फोल्ड करने के लिए इसके नीचे से आप प्रेस करेंगे ऐसे, ये सीट फोल्ड हो जाएगी। ये जो बैक रेस्ट है ये बीच में फिट हो जाता है और ये भी एक बेड बन जाता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऐसे ये भी एक 2 बाय 6 फीट का बेड बन जाता है। अब ये ऊपर सोने का हिसाब है, तो ये ऐसे 5 फीट है और ऐसे 6 फीट है। ये एक स्टोरेज है इसके ऊपर, ये पुश लॉक है, ये स्टोरेज है, इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। एक फैन इधर लगा है, एक फैन उधर लगा है। ये आपका एसी का रिमोट है, तो आप इसको देखिए, ये आपका अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये हाइट बहुत कम है, तो आप इसमें सो सकते हैं, बिल्कुल बैठ नहीं सकते हैं। और ये आपका दो स्टोव्स हैं, दो बर्नर हैं। इसके नीचे ये ड्रॉर है सामान रखने के लिए, एक ड्रॉर इसके नीचे है, ये भी सामान रखने के लिए। इसके नीचे पोर्टेबल फ्रिज लगा हुआ है, जब आपको काम करना है तो इस टेबल को आप उठा के ऐसे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और इसको भी अगर आप गिरा दें तो आपके पास यहाँ पे एक लैच है, उसको लगा दीजिए। तो देखिए आपको इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिल जाएगी किचन के दोनों तरफ काम करने के लिए, तो आप चॉपिंग बोर्ड वगैरह रख सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं। ये एक एग्जॉस्ट फैन लगा है किचन के लिए, एक एग्जॉस्ट फैन बाथरूम में था। तो और ये दो स्टोरेज हैं ऊपर, इनको भी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्टोरेज है, ऐसे ये खुल जाएगी, तो इसके अंदर आप काफ़ी सामान रख सकते हैं, किचन के मसाले डब्बे वगैरह सब इसमें आ जाएगा। काफ़ी गहरी ये स्टोरेज है और ऐसे वो एक्सटेंड होके दूसरे उसमें भी चली जाएगी। तो आपके पास एम्पल स्टोरेज स्पेस है, इस स्पेस को भी यूटिलाइज किया जा सकता है ऊपर नेट लगा के,
और थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सोप डिस्पेंसर लगा हुआ है। तो ये आपने कंप्लीट अंदर से डॉक्टर राजेंद्र ढांडे की जो हिंदुस्तान की पहली हाईलेक्स की कैंपो वैन है वो आप देख रहे हैं। तो मैं आपको एक दूर से भी एक शॉट दिखा देता हूँ। तो आपने इसको अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा, और बहुत ही खूबसूरत। इसको मैं 4 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया उम्दा कंस्ट्रक्शन की है ध्रुव नॉर्थ ने, जिनकी कंपनी का नाम है प्रो कैंपर। आप ध्रुव नॉर्थ से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसी टाइप का या कुछ और कैंपर वैन बनाने की इच्छा है।